ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सोलन दो गुटों में बढ़ती नजर आ रही है। सोलन में आजकल सक्रिय हुए गुट भाजपा के दिग्गज नेता शांता कुमार का माना जा रहा है, तो दूसरा गुट सोलन के राजनीतिक किंग माने जाने वाले विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के पुराने साथियों और कार्यकर्ताओं का है। भाजपा द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें साफ गुटबाजी नजर आई। ये बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के लिए आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी सोलन दो गुट में बटी साफ नजर आ रही है। सोलन में आजकल सक्रिय हुए गुट भाजपा के दिग्गज नेता शांता कुमार के माने जा रहे हैं, तो दूसरा सोलन की राजनीति के किंग विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल के पुराने साथियों और कार्यकर्ताओं का है। बेशक राजीव बिंदल सोलन से सिरमौर चले गए हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उनकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत मानी जाती है। लेकिन कुछ महीने से शांता कुमार गुट इस पकड़ में सेंध लगाने का पुरजोर कोशिश कर रही है और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपनी उपस्थिति ज्यादा दिखाकर अपने वर्चस्व को स्थापित करने में जुटी हुई है। इस गुट में जब से पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सोफत की एंट्री हुई है, तब से शांता गुट की सक्रियता सोलन में ज्यादा बढ़ गई है। आज भी भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया जिसमें यही गुट हावी नजर आया, जिसमें बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता महेंद्र सिंह सोफत ने की और इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद रहे। पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सोफत ने बताया कि सोलन में बेहद महत्वपूर्ण विषय बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चुनावी राजनीति से संन्यास ले चुके शांता कुमार बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में शहरवासियों को बढ़ती जनसंख्या और घटते संसाधनों के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। हमारा ऐसा मानना है कि देश की सारी समस्याओं की जो जननी है वो बढ़ती हुई जनसंख्या है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे संसाधन जो है बढ़ते हैं। हमारा मानना है कि अब समय आ गया है कि देश को और देश की सरकार को एक सटीक निर्णय करना पड़ेगा कि किस प्रकार से हमें जनसंख्या को नियंत्रित करना है। भले इसके लिए कानून बनाना हो, भले समाज को जागृत करना हो, भले जनसंख्या बढ़ाने वालों को निरुत्साहित करना हो, और भले इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग करने वालों को प्रोत्साहित करना हो, इसके लिए यह कार्यक्रम है। श्रीमान शांता कुमार जी जो एक देश के बड़े विचारक हैं और उनका इस विषय पर बहुत ही गहरा अध्ययन है, वो यहाँ पर आएंगे। वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता है और हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और सहकारिता मंत्री इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे। हमारे लोगों से आग्रह करते हैं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और शांता कुमार जी के विचारों को सुनें और देश हित में चलाए जा रहे इस मुहिम को सफल बनाने में अपना योगदान दें।